सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 बुआ का पत्र से संबंधित भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, उदाहरण देखकर लिखिए। सबसे पहला हमें उदाहरण दिया है आधा ट जमा पूरा ट। इससे संबंधित यहाँ हमें शब्द दिए हैं छुट्टी और दूसरा मिट्टी। बच्चों, मैंने आपको संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन के बारे में समझाया था कि जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उनमें एक आधा अक्षर होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है और दोनों एक समान होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन में एक अक्षर आधा और दूसरा पूरा और दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है आधा त जमा य। आधा त और य संयुक्त व्यंजन से संबंधित शब्द बनाए यहाँ पे मैंने सत्य और नृत्य। बच्चों, आप इनके अलावा कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। आगे है आधा च जमा च। यहाँ पे आधा च और पूरा च अर्थात द्वित्व व्यंजन वाला शब्द बना बच्चा और सच्चा। बच्चों, ये तो शब्द मैंने लिखे हैं, आप इनके अलावा अपनी मर्जी से शब्द भी लिख सकते हैं। आइए करते हैं अगला प्रश्न। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रयास मूर्ति। पाठ में आए ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हमें र के विभिन्न रूपों वाले शब्द लिखने हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया है र का साधारण रूप, फिर र का पदेन रूप, अगला ये भी र का पदेन रूप है और आखिर में दिया है रेफ, जो कि अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। र के विभिन्न रूपों से संबंधित जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, तो आइए पहले हम र के साधारण रूप वाले शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहले रंग और दूसरा चौकोर। बच्चों, यहाँ पे र के साधारण रूप का प्रयोग हुआ है। अगला है र का पदेन रूप, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी आकृति अंग्रेजी भाषा के वी की तरह होती है और इसे उल्टे वी की तरह ट और ड अक्षर के पैर में लगाया जाता है इस तरह से। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि र का ये वाला जो पदेन रूप है ये सिर्फ ट और ड अक्षर के पैर में ही प्रयोग किया जाता है और इससे संबंधित शब्द बने ट्रक और ड्रम। अगला है ये भी र का पदेन रूप है, आइए इससे संबंधित शब्द पढ़ते हैं प्रतिमाएं और क्रिया। आगे है रेफ, जो कि अंग्रेजी भाषा के सी की तरह होता है और अक्षर के ऊपर लगाया जाता है तो इससे संबंधित शब्द बने पर्व और मूर्तियां। बच्चों, आप इन शब्दों के अलावा अपनी मर्जी से शब्द भी लिख सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 3, समानार्थी शब्द पर घेरा लगाइए। बच्चों, समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक समान हो। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें विकल्प दिए हैं, जैसे सबसे पहला शब्द है नवीन। नवीन से संबंधित समानार्थी शब्द हमने दिए गए विकल्पों में से ढूंढकर उस पर घेरा लगाना है। तो नवीन का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है नूतन। आगे है प्रतिमा। प्रतिमा का समानार्थी शब्द होता है मूर्ति। आगे है आनंद। आनंद का समानार्थी शब्द होता है प्रसन्नता। प्रत्येक। प्रत्येक का समानार्थी शब्द होता है हर कोई। तो बच्चों, ये तो थे आपके भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ करने के लिए। दीपावली के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। बच्चों, इसके लिए हमें जरूरी सामान भी बता रखा है, एक मोटा कागज, सूखी पत्तियां,
सूखे फूल या पेंसिल की गोल छीलन, काली मिर्च के 5-6 दाने, कैंची, फेविकोल आदि। बच्चों, मैंने भी पेंसिल की गोल छीलन के द्वारा एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। आइए देखते हैं कि पेंसिल की गोल छीलन के द्वारा हम किस प्रकार से एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। बच्चों, पेंसिल की गोल छीलन से ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए हमने किसी भी पेंसिल को तब तक शार्पनर की सहायता से शार्प करना है जब तक कि उसकी छीलन इस प्रकार से गोल ना बन जाए, और इस छीलन को हमने फेविकोल की सहायता से A4 साइज की शीट के ऊपर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे चिपकाया है, आपने भी इस गोल छीलन को फेविकोल की सहायता से किसी भी A4 साइज की शीट के ऊपर चिपका देना है। और बच्चों, मैंने यहाँ काली मिर्च के दानों के स्थान पर माह की दाल के दानों का प्रयोग किया है, तो आप भी इस तरह से जो है इस ग्रीटिंग कार्ड को बना सकते हैं। और गोल छीलन को चिपकाने के पश्चात आपने किसी भी कलरफुल पेन से इस प्रकार से आउटलाइन भी करनी है, जिससे कि जो हमारा ग्रीटिंग कार्ड है वो देखने में और भी सुंदर लगेगा। इसके पश्चात आप ग्रीटिंग कार्ड के अंदर जिस भी त्योहार से संबंधित आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं उससे संबंधित शुभकामनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों की सौगात लाए, धन और शोहरत की बरसात लाए, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप भी जिस त्योहार से संबंधित आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे होंगे, आप भी उससे संबंधित शुभकामनाएं लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पेंसिल की छीलन के द्वारा ग्रीटिंग कार्ड बनाने का तरीका। आपने भी इसे A4 साइज की शीट लेकर उसके ऊपर बनाना है, और भाषा की बात से संबंधित तीनों प्रश्न आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करने हैं। धन्यवाद।